हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपने गांव विलेज का पूरा राशन कार्ड का ही पूरा डिटेल निकालना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, किन किन व्यक्तियों का नया राशन कार्ड बनाया, किन किन व्यक्तियों का राशन कार्ड में नाम है, किन किन व्यक्तियों का राशन कार्ड से नाम कट गया, किन किन व्यक्तियों का राशन कार्ड लाल है, पीला है, हरा है, कौन सा राशन कार्ड है, कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, उनका पूरा डिटेल निकालना चाहते हैं अपने विलेज का, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने विलेज का सभी व्यक्तियों का राशन कार्ड को आप चेक कर पाएंगे, किन किन व्यक्तियों का राशन कार्ड बना है या तो रिजेक्ट हुआ है। जैसे दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अपना विलेज का पूरा डिटेल यहाँ पे आपके पास दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं पूरा लोगों का नाम यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा, किन किन नाम पर यहाँ पे राशन कार्ड है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ फैमिली काउंट देख सकते हैं, पहला में देख सकते हैं आपको 7 नजर आता होगा, 8 नजर आता होगा, तो ये भी चेक कर पाएंगे कि आपके विलेज में जिस जिस व्यक्ति का राशन कार्ड है उनके राशन कार्ड में कितने फैमिली जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपके विलेज वार्ड नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, SEC लगा हुआ आपको नजर आता होगा, यहाँ न्यू नजर आता होगा, न्यू का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे न्यू कार्ड बना हुआ है, किन किन व्यक्तियों का न्यू कार्ड बना हुआ है, किन किन व्यक्तियों का पुराना कार्ड है, यहाँ सब देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कार्ड टाइप में जाकर के कार्ड टाइप भी यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन सा PH में है, कौन सा कार्ड है, ये भी यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों स्टेटस भी देख सकते हैं, किनसे मैप्ड है, तो वो यहाँ पे आपके पास नजर आ जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों ये पुराने वाला कार्ड में NPCI से मैप्ड है, जबकि नए वाला कार्ड में अभी ये मैप्ड नहीं हुआ है। तो ये पूरा डिटेल आप निकाल सकते हैं अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से ही ये प्रोसेस होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने विलेज का पूरा किन किन व्यक्तियों का राशन कार्ड बना है, नहीं बना है, रिजेक्ट हुआ है, पूरा यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, कितने लोगों का है राशन कार्ड मेरे गाँव में, ये भी आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, अपना नाम भी यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपका नाम जो होगा वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सर्च वाला आइकन में आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे पास आपके पास सर्च का आ रहा है, यहाँ सर्च कीजिए आपके पास नाम आ जाएगा। ठीक है, सर्च करके आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इंटर दबाएगा या तो सर्च कीजिए आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ आपके पास बेल घंटे भी आ जाएगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है आहार झारखंड। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करना है आहार झारखंड। जैसे ही टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, इंटर दबा दीजिए, सर्च कीजिए तो आपके पास पहला ही वेबसाइट आ जाता है। इसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आपके पास नजर आता होगा, झारखंड गवर्नमेंट PDS सिस्टम। ठीक है, तो चलिए इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों एक नया इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका राशन कार्ड का पूरा काम यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको विलेज का राशन कार्ड कितने लोगों का डिटेल में आपको निकालने के लिए बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ जाना है लाभु के कार्ड की जानकारी। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा सेकंड नंबर में, लाभु के कार्ड की जानकारी, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास आ जाता है राशन कार्ड के विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड के विवरण के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो राशन कार्ड के विवरण पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया यहाँ पे इंटरफेस आ जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस है। तो आप अपना विलेज का राशन कार्ड का डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। तो चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट चुन लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉक, आप जिस भी ब्लॉक में विलेज पड़ता है उस ब्लॉक को यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज वाला ऑप्शन पे जाना है। विलेज वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं विलेज वाला ऑप्शन को आपको चुनना है। ठीक है, तो आप जिस भी विलेज से यहाँ पे आपको चुन लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना विलेज चुन लेता हूँ। विलेज चुनने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आपको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि आप पर्सनली अपना राशन कार्ड नहीं डाउनलोड करना चाह रहे, आप विलेज का चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर को ब्लैंक रहने देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक कैप्चा देख सकते हैं आपको नजर आता होगा, कैप्चा को आपको नीचे फिल कर देना है। अगर कैप्चा आपको समझ ना आए तो यहाँ रिफ्रेश भी करना है। तो चलिए दोस्तों मैं कैप्चा फिल करता हूँ, फिल करने के बाद सबमिट आपके पास नजर आता होगा, तो सिंपल सबको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं ये जो कैप्चा नजर आ रहा है मैं इतना फिल करता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने कैप्चा भी फिल कर दिया और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह था और यहाँ पे ब्लॉक वगैरह चुन लिया, ये आपको चुन लेना है। उसके बाद विलेज आपको मैंडेटरी है, इसे जरूर चुनिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाता है सबमिट। ठीक है, सबमिट पे आपको क्लिक करना। चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पेज आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पेज में आपका गांव का जितने भी लोगों का राशन कार्ड में नाम है वो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ राशन कार्ड नंबर आपके पास शो होता होगा। ठीक है, यहाँ पे नाम जो उनके मुखिया हेड होंगे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में शो हो रहा है। ठीक है, उनके फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे शो हो जाता है, देख सकते हैं राशन कार्ड किस कैटेगरी में कितने फैमिली जुड़े हुए वो यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे UID कॉन्ट देख सकते हैं कितने उनके फैमिली में कितने आधार कार्ड से लिंक है, कितने लोग उसके आधार कार्ड से लिंक है, तो UID कॉन्ट में आ जाता है। विलेज देख सकते हैं यहाँ पे विलेज, तो आपको जिस विलेज का आप सर्च किए तो वही
नॉलेज का यहाँ पे आया। उसके बाद डाटा में देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नजर आता होगा, न्यू अगर बना होगा तो न्यू नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर पुराना है तो SC 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 आपके पास नजर आ जाएगा, ठीक है। इस पर चेक कर पाएंगे आप दोस्तों। नीचे में आपको बता देते, एक जानकारी और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके विलेज में कितने लोग राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 479 लोग जो है राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं। तो इससे मतलब ये भी आपके पता चल जाता है कि आपके गांव में कितने लोग हैं, पीपुल हैं। तो यहाँ 479 अभी तक मेरे गाँव में है। अब इसे डाउनलोड करने का रहा सवाल, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास नजर आते हैं। एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, और एक PDF फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी फाइल में आपको जरूरत पड़े उसी फाइल में आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मुझे PDF फाइल में डाउनलोड, PDF में क्लिक करता हूँ। जैसे उसे PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे PDF में डाउनलोड होने का आ चुका है, तो यहाँ पे सेव पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड गवर्नमेंट ई राशन कार्ड। तो चलिए यहाँ पे मैं विलेज लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चल सके। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं डाउनलोड होकर आ चुका है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। इसे मैनुअली तरीके से प्रिंट कर सकते हैं या प्रिंट करके रख सकते हैं। टोटल फैमिली देख सकते हैं नीचे आपको नजर आता होगा, टोटल फैमिली काउंट 479 यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे सबसे पहले राशन कार्ड नंबर शो हो जाता है, उसके बाद नाम सेम है जो वहाँ पे मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे। तो आप अपने जो भी विलेज है दोस्तों उसका पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, किस किस व्यक्तियों का राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है, किन किन व्यक्तियों का राशन कार्ड से नाम हटा हुआ है, कितने लोग जुड़े हुए वो भी डिटेल निकाल सकते हैं। तो आशा कर दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया किस प्रकार से आपके विलेज में जितने भी राशन कार्ड धारी है उसका डिटेल किस प्रकार से निकालेंगे, कितने लोग का राशन कार्ड में नाम है या नहीं है, तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।